अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 करने जा रहे हैं। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम यहाँ पे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कर लिए थे। अगर आपको उनके लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप वहाँ जाके उनके सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स करने जा रहे हैं और हमें इसको इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स से। तो स्टूडेंट, बाय पार्ट का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आता है, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेट फर्स्ट फंक्शन यानी कि यू का डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ वी, और इस सब का बाहर यहाँ पे इंटीग्रल मौजूद है। और दूसरी चीज ये कि हमने अपने फंक्शन में जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इसका पार्ट 1 है, इंटीग्रल 3x cos 3x dx। तो अब इसमें दो फंक्शंस हैं, एक है 3x का फंक्शन और एक है cos 3x का फंक्शन। तो हमने किसको u लेना है और किसको v लेना है, क्योंकि इससे काफी फर्क पड़ता है कि आप u फंक्शन क्या ले रहे हैं और v फंक्शन क्या ले रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्स फंक्शन को, एल रिप्रेजेंट कर रहा है लॉग फंक्शन, ए रिप्रेजेंट कर रहा है अलजेब्रिक फंक्शन, टी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यू चूज करते हुए जो फंक्शन पहले आ रहा है इस टेक्निक में, तो आप उसको यू लेट करें। तो यहाँ पे मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो मुझे 3x को यू लेट करना पड़ेगा। लेट u इज इक्वल्स टू 3x, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, तो हमने v लेट करना पड़ेगा cos 3x को। u का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, और v का हमें इंटीग्रल चाहिए होता है, ये हो जाएगा साइन 3x अपॉन 3। तो अब इस इक्वेशन में, जिसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इस पे हम बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। और बाय पार्ट्स किस तरह से अप्लाई करेंगे, इस फंक्शन को 3x को u हमने कह दिया और इस फंक्शन को v कह दिया, तो u एज इट इज यानी कि 3x एज इट इज v का इंटीग्रल जो हमने यहाँ निकाला हुआ है साइन 3x अपॉन 3, बीच में है माइनस का साइन, इंटीग्रल u का डेरिवेटिव जो कि है 3, और v का इंटीग्रल जो कि है साइन 3x अपॉन 3 dx। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, x इंटू साइन 3x माइनस, इस 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रल साइन 3x dx। x साइन 3x माइनस, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, तो एक माइनस ऑलरेडी मौजूद था, तो ये हो जाएगा cos 3x अपॉन 3 और c कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट, बाय पार्ट्स सॉल्व करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि किस फंक्शन को हम u लेट करें और किस फंक्शन को v लेट करें, क्योंकि अगर आपने गलत सिलेक्शन यहाँ पे कर ली तो बाय पार्ट्स सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो टेक्निक मैंने आपको बताई हुई है उस पर अमल करें, आई लेट वाली यूज करें, जो फंक्शन यहाँ पे पहले आ रहा है उसको यू लेट करें और दूसरे फंक्शन को वी लेट करें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 मेरे पास है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स। तो यहाँ पे भी हमने सिलेक्शन करनी है कि कौन से फंक्शन को यू लेट करें और कौन से फंक्शन को वी लेट करें। एक अल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है यहाँ पे, तो अल्जेब्रिक फंक्शन को हमने यू लेट करना है, और जो दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको हमने वी लेट कर लिया। तो जो u फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमें चाहिए होता है, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा इंटीग्रल लेंगे तो माइनस कॉस एक्स। तो अब इस पे अप्लाई करते हैं, इसको कह देते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 पे हम बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, बाय पार्ट्स क्या है, u एज इट इज आएगा यानी कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ v यानी कि माइनस कॉस एक्स
माइनस इंटीग्रल यू का डेरिवेटिव जो के है 2x, और वी का इंटीग्रल जो के है माइनस कॉस एक्स डीएक्स। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा एक्स कॉस एक्स डीएक्स। अब यहाँ पे अगेन दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दोबारा से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी उसी तरह से सिलेक्शन होगी कि अल्जेब्रिक फंक्शन को हमने यू लेट करना है, हमने यू ले लिया एक्स को और वी ले लिया कॉस एक्स को। यू का डेरिवेटिव होता है 1 और वी का इंटीग्रल होगा साइन एक्स। तो बाकी ये वाली टर्म्स तो एज इट इज आ जाएंगी, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2। अब इस पे बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, यू एज इट इज वी का इंटीग्रल। यू एज इट इज का मतलब है एक्स एज इट इज, वी का इंटीग्रल यानी के साइन एक्स, बीच में माइनस का साइन, इंटीग्रल यू का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 1 और इंटीग्रल ऑफ वी ये हो जाएगा साइन एक्स। तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, माइनस 2, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, देन कॉस एक्स प्लस सी। यहां से ये भी 2 cos x है, ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, तो यहां से अगर हम कॉस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा, कॉस अगर हम कॉमन ले लें तो यहां से 2 बच जाएगा, यहां से माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं, और पार्ट 3 में जो इंटीग्रल हमें गिवन है ये है एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसको सॉल्व करते हुए स्टूडेंट, पहले तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देते हैं, 1 अपॉन कॉट इक्वल होता है टेन स्क्वायर एक्स के। अब यहाँ पे हम अल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस रूल के अकॉर्डिंगली अल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, तो यू इक्वल्स टू अल्जेब्रिक फंक्शन जो कि एक्स है और वी इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स। यू का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे 1 और वी का इंटीग्रल यहाँ पे हो जाएगा, अगर टेन स्क्वायर को हम इस तरह से लिखें sec स्क्वायर माइनस 1, इसकी आइडेंटिटी यूज करके, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल ये हो जाएगा 10x और माइनस 1 का इंटीग्रल माइनस एक्स। तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, और इक्वेशन 1 पे हम बाय पार्ट्स लगाने जा रहे हैं। बाय पार्ट्स कैसे लगेगा, u एज इट इज यानी कि x एज इट इज, v का इंटीग्रल यानी कि 10x माइनस एक्स, माइनस इंटीग्रल u का डेरिवेटिव जो कि 1 है और v का इंटीग्रल जो कि 10x माइनस एक्स है। अब इसको तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स 10x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेट किसको करना है हमने, 10x माइनस एक्स को। तो यहाँ पे हो जाएगा पहली टर्म तो एज इट इज रहेगी, एक्स 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x का इंटीग्रल ln sec x होता है, ln sec x और x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास एक्स 10x माइनस ln sec x
ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू है, माइनस वन है और ये प्लस हाफ है, तो माइनस वन बाय टू आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप हम कर रहे हैं यहाँ पे, इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसका पार्ट फोर करने जा रहे हैं, और ये क्या है हमारे पास, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। यहाँ पे अगेन हमने ये देखना है, एक अल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमने अल्जेब्रिक फंक्शन को यू लेट कर लेना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि सेक स्क्वायर एक्स है, इसको हमने वी लेट कर लिया। तो यू का डेरिवेटिव आ गया वन, और इंटीग्रल ऑफ वी आ गया हमारे पास 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x। तो ये अगर इक्वेशन वन है, तो अब इक्वेशन वन हमारे पास क्या हो जाएगी, यू एज इट इज v का इंटीग्रल, u एज इट इज का मतलब है x एज इट इज 10x माइनस इंटीग्रेट u का डेरिवेटिव जो कि 1 है, और ये है 10x dx। अब 10x का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एक्स 10x प्लस एल एन कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब इसका अगला पार्ट करते हैं, पार्ट फाइव है हमारे पास, और पार्ट फाइव क्या है, इंटीग्रल 5x अपॉन साइन स्क्वायर 2x डीएक्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि जो साइन डिनोमिनेटर में है, यानी कि जो 1 अपॉन साइन है, हमें पता है ये इक्वल होता है कॉस एक्स के, तो ये इक्वल हो जाएगा 5x, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x की जगह पे कॉसेक स्क्वायर 2x आ जाएगा, राइट। अब एक फंक्शन हमारे पास है 5x, इसको हमने u लेट कर लिया क्योंकि अल्जेब्रिक फंक्शन है, और v लेट कर लिया हमने कॉसेक स्क्वायर 2x को, u का डेरिवेटिव लिया तो 5 आया, और v को इंटीग्रेट किया हमने तो कॉसेक स्क्वायर 2x, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट, अब 2x है तो 2x हमने लगा दिया, और डिवाइड में भी एंगल आ गया जो 2 है। अब इस पे बाय पार्ट्स हमने अप्लाई करना है, बाय पार्ट्स क्या कहता है कि u एज इट इज, u एज इट इज यानी कि 5x, v का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 2x अपॉन 2, बीच में माइनस का साइन, u का डेरिवेटिव जो कि 5 है, और इंटीग्रल ऑफ v जो कि माइनस कॉट 2x अपॉन 2 है dx। तो ये तो हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 5 अपॉन 2x, साथ में कॉट 2x, और माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2, और इंटीग्रल के अंदर रह गया कॉट 2x, और कॉट 2x का इंटीग्रल होता है एल एन साइन 2x अपॉन 2। एल एन साइन 2x और 2 एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे प्लस सी। तो यहां से अगर हम ये 5/4 है, तो 5/4 अगर हम कॉमन ले लें, 5/4, तो यहां से हमारे पास क्या बच जाएगा, यहां से अगर 4 कॉमन ले लें तो 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दीजिए, तो यहां से बच जाएगा माइनस 2x कॉट 2x प्लस
एल एन साइन टू एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट देखा आपने कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था और हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट सिक्स। और पार्ट सिक्स में हमारे पास है इंटीग्रल कॉस अंडर रूट एक्स डीएक्स। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने से पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंगली हम लेट करते हैं कि वाई जो है ये हमारा अंडर रूट एक्स के इक्वल है। तो डी वाई क्या हो जाएगा फिर, 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो फिर यहाँ पे ये जो कॉस अंडर रूट एक्स है ये हो जाएगा इंटीग्रल कॉस वाई, और डी एक्स की जगह पे जब ये टू उधर जाएगा और अंडर रूट टू भी जाएगा तो ये हो जाएगा 2√x dy। तो टू को तो और अंडर रूट एक्स की जगह पे हम यू पुट कर देते हैं, वाई पुट कर देते हैं और टू को बाहर निकाल लेते हैं कॉस वाई, और अंडर रूट एक्स की जगह पे वाई डी वाई। अब यहां से आके हम बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं और बाय पार्ट्स में एक अल्जेब्रिक फंक्शन है जिसको हमने यू लेट कर लिया, दूसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है जिसको हमने वी लेट कर लिया। तो यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 हो जाएगा और वी का इंटीग्रल साइन वाई। तो बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, बाय पार्ट्स कहता है कि यू एज इट इज यानी कि वाई एज इट इज इंटीग्रल ऑफ वी जो कि हो जाएगा हमारे पास साइन वाई माइनस इंटीग्रल, अब यू का डेरिवेटिव जो कि 1 है और इंटीग्रल ऑफ वी जो कि साइन वाई है। तो ये है वाई साइन वाई माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन वाई इज माइनस कॉस वाई, तो ये प्लस हो जाएगा और कॉस वाई प्लस सी। यहाँ पे टू भी था साथ में तो ये टू यहाँ पे भी आ जाएगा और ये टू यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये टू यहाँ पे भी आ जाएगा, ये टू यहाँ पे भी आ जाएगा। अब y की जगह पे हम दोबारा से इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि अंडर रूट एक्स है, साइन अंडर रूट एक्स प्लस टू कॉस वाई की जगह पे अंडर रूट एक्स प्लस सी, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं पार्ट सेवन, और पार्ट सेवन है हमारे पास इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल 2x साइन 2x dx। अब इसे सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये दोनों फंक्शन ऐसे हैं जो कि अनस्टॉपेबल फंक्शन है, मतलब डेरिवेटिव लेने से कोई फंक्शन भी वन नहीं हो रहा, कॉन्स्टेंट फंक्शन हमारे पास नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि लेट कर लेते हैं कि ये पूरा इंटीग्रल आई के इक्वल है। राइट अब इसमें एक फंक्शन को, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे टी पहले आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने यू लेट कर लिया जो कि है साइन टू एक्स, और वी लेट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल टू एक्स को। तो u का डेरिवेटिव साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x और v का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल 2x अपॉन 2 हो जाएगा। राइट अब ये i पे अगर हम बाय पार्ट्स लगाएं तो ये है u एज इट इज यानी कि साइन 2x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v यानी कि एक्सपोनेंशियल 2x अपॉन 2
माइनस इंटीग्रल यू का डेरिवेटिव जो कि है 2 cos 2x, और इंटीग्रल ऑफ वी जो कि है एक्सपोनेंशियल 2x/2 dx। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपलीफाई करने से, आई इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 2x/2 sin 2x। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे रह गया माइनस इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल 2x और साथ में है cos 2x dx। अब यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स बाय पार्ट्स लगेगा क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम u लेट कर लेते हैं cos 2x को और v लेट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल 2x को। तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin 2x/2 और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ v हो जाएगा exponential 2x/2। तो इस वाली जगह पे हम दोबारा से बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी और सेकेंड वाले टर्म पे हम बाय पार्ट्स लगा देंगे, यानी कि यू एज इट इज cos 2x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ वी माइनस इंटीग्रल यू का डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा -sin 2x/2 और इंटीग्रल ऑफ वी जो कि है exponential 2x/2 dx। अब ये आई इक्वल हो जाएगा exponential 2x/2 sin 2x - exponential 2x/2 cos 2x। ये एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक माइनस बाहर भी है, तो -1/4 इंटीग्रल exponential 2x sin 2x dx। अब स्टूडेंट ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे इंटीग्रल exponential 2x sin 2x dx, ये हमने लेट की हुई है कि ये आई के इक्वल है, तो यहाँ पे आके हम इसको आई से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि इस तरह तो ये कभी स्टॉप ही नहीं होगा। -1/4 और ये पूरे इंटीग्रल इक्वल है आई के। अब इस साइड पे भी आई मौजूद है, इधर भी आई मौजूद है, तो ये आई जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा i+1/4i इज इक्वल्स टू exponential 2x और 2 कॉमन ले लेते हैं exponential 2x/2 और अंदर बच जाएगा हमारे पास sin 2x - cos 2x। अब यहां से हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, तो i+1/4i, तो इसको अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4+1 हाँ स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, जब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे यू कॉस 2x का, तो ये 2 इसको डिनोमिनेटर में नहीं आएगा बल्कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, डिनोमिनेटर में 2 तब आता है जब हम इंटीग्रेशन ले रहे हो, तो ये -2 यहाँ पे आएगा, इसके डेरिवेटिव से खत्म हो जाएगा। तो फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल -i ही बचेगा और जब ये i इधर आएगा तो ये -i है, इधर आके ये +i हो जाएगा, तो यहाँ से ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ i+i ही है, तो यहाँ पे आके हो जाएगा 2i
लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये हो गया 2i, और इधर है एक्सपोनेंशियल 2x/2 sin 2x - cos 2x, और जब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4 sin 2x - cos 2x, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि हमने जब डेरिवेटिव लिया तो 2 को डिनोमिनेटर में लिख दिया था, जबकि ऐसा नहीं होता, जब डेरिवेटिव लेते हैं तो एंगल उसके कोफिशिएंट में जाता है। तो फिर ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं जो कि पार्ट 8 है, और पार्ट 8 में जो इंटीग्रेशन हमें करनी है एक्सपोनेंशियल -x और साथ में है cos 2x dx। तो अगेन हमने इसको क्या i लेट कर लेना है, क्योंकि ये दोनों स्टॉप नहीं होते फंक्शन, इन दोनों का डेरिवेटिव लेते जाए तो वो रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको हमने लेट कर लिया u, और दूसरे फंक्शन को हमने लेट कर लिया v। u का हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है, cos 2x का डेरिवेटिव -sin 2x, और v का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल -x, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं तो u एज इट इज आता है इंटीग्रल ऑफ v, यानी कि cos 2x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v जो के है -exponential -x - integral u का डेरिवेटिव जो के है -2 sin 2x इंटीग्रल ऑफ v हमने पुट कर दिया। अब ये हो जाएगा माइनस के साथ एक्सपोनेंशियल -x cos 2x, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 बाहर आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल -x साथ में sin 2x। अब यहाँ पे अगेन हम बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, पहली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी -exponential i = -exponential - x cos 2x माइनस के साथ। अब यहाँ पे यू लेट करेंगे हम sin 2x को, तो यू हमने ले लिया sin 2x और वी हमने ले लिया exponential - x। यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 cos 2x, और वी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा -exponential - x। तो यू एज इट इज यानी के sin 2x इंटीग्रल ऑफ वी जो कि हो जाएगा -exponential - x माइनस यू का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटीग्रल ऑफ वी exponential - x, और साथ में माइनस है तो इसको प्लस कर देते हैं, और dx। तो i इक्वल हो गया -exponential - x cos 2x माइनस माइनस प्लस exponential - x sin 2x प्लस माइनस माइनस, 2 को हम इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं, और exponential - x cos 2x dx। और ये बाहर 2 मौजूद था तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, राइट। अब स्टूडेंट ये जो exponential - x cos 2x है ये वही चीज है जिसको हमने i के इक्वल लेट किया था। तो यहां से हम दोबारा इसको i के इक्वल ही ले लेते हैं, -4 और ये साथ में i। अभी जब -4i इस साइड पे आएगा तो प्लस का 4i हो जाएगा, और इस तरह से ये 5i हो जाएगा। और ये दो टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं, exponential - x कॉमन आ रहा है, पहले ये वाली टर्म लिख देते हैं 2 sin 2x - cos 2x प्लस
सी प्लस सी यहाँ पे भी चल रहा था। अच्छा अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से 1/5 इधर आ जाए, 5 इधर आ जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन 5, साथ में है 2 sin 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसका पार्ट 9 करने जा रहे हैं और इसमें है हमारे पास कॉस LnX dx। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, LnX को लेट कर लिया कि वो y के इक्वल है, y इक्वल्स टू LnX। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x dx, हमें dx की वैल्यू चाहिए तो x dy इज इक्वल्स टू dx। तो ये वाला इंटीग्रल अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 कह दें, तो इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगी इंटीग्रल cos ln x की जगह पे y ले लिया और इस dx की जगह पे x dy, और x हमारे पास क्या है, x dy हम ले लेंगे, लेकिन x हमारे पास यहां से निकाल सकते हैं हम एक्स की वैल्यू, दोनों साइड पे एलन खत्म करना है, दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल ले लें, तो एक्सपोनेंशियल वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई एक्सपोनेंशियल वाई और साथ में डी वाई, राइट। ये हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एक्स डी वाई लिख नहीं सकते थे क्योंकि हमने पूरे फंक्शन को वाई में ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ से एक्स और वाई की इक्वेशन मौजूद है, यहाँ से हमने एक्स की इक्वेशन निकाल ली इन टर्म्स ऑफ वाई। एलन खत्म करना था, दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल ले लिया, एलन से एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाई आ गया। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट से, तो बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे हम यू क्या लेट करेंगे कॉस वाई को और वी लेट करेंगे एक्सपोनेंशियल वाई को। यू का हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है जो कि -sin y है और वी का हमें इंटीग्रल चाहिए होता है जो कि एक्सपोनेंशियल वाई ही रहेगा। बी का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल वाई ही रहेगा। अब इसको हमने लेट कर लिया कि ये आई के इक्वल है, तो आई के इक्वल अब बाय पार्ट्स लगाते हैं, यू एज इट इज यानी कि कॉस वाई एज इट इज, वी का इंटीग्रल यानी कि एक्सपोनेंशियल वाई माइनस इंटीग्रल यू का डेरिवेटिव यानी कि -sin y और वी का इंटीग्रल यानी कि एक्सपोनेंशियल वाई साथ में डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्सपोनेंशियल वाई कॉस वाई माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल वाई साइन वाई डी वाई। अब यहाँ पे अगेन बाय पार्ट्स लगेगा, अब यू हमने ले लिया साइन को और वी हमने ले लिया एक्सपोनेंशियल वाई को, यू का डेरिवेटिव होता है कॉस वाई और वी का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल वाई ही रहेगा, तो आई इक्वल आ गया एक्सपोनेंशियल वाई कॉस वाई प्लस, अब इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करने जा रहे हैं और यू हमारे पास साइन वाई है तो यू एज इट इज यानी कि साइन वाई एज इट इज इंटीग्रल ऑफ वी एक्सपोनेंशियल वाई माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू यानी कि कॉस वाई और इंटीग्रल ऑफ वी एक्सपोनेंशियल वाई डी वाई। अब स्टूडेंट इस टर्म को आप देखिए, ये टर्म वही टर्म है जो कि ये वाली टर्म है, इस टर्म को देखिए, ये वाली टर्म किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, तो यहाँ पे भी सेम यही टर्म है इंटीग्रल कॉस वाई एक्सपोनेंशियल वाई डी वाई, तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, आई
एक्सपोनेंशियल वाई प्लस कॉस वाई, एक्सपोनेंशियल वाई कॉस वाई प्लस एक्सपोनेंशियल वाई साइन वाई और माइनस का आई। ये आई जब इस साइड पे आ जाएगा तो टू आई हो जाएगा, और यहां से हम एक्सपोनेंशियल वाई को कॉमन ले लेते हैं और अंदर रह जाएगा कॉस वाई प्लस साइन वाई। यहां से टू मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और कॉस वाई प्लस साइन वाई। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमने पुट करनी है, और y की वैल्यू क्या हमने सपोज की थी शुरू में, एल एन वाई। तो यहां से बस एक स्टेप रह गया, जो हमने y इक्वल किया था एल एन वाई के, बस वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो i इक्वल आ जाएगा एक्सपोनेंशियल एल एन एक्स के अपॉन टू, साथ में है कॉस एल एन एक्स वाई की जगह पे एल एन एक्स और साइन एल एन एक्स प्लस सी। सी हम शुरू में भी लिख सकते थे, राइट। अब एक्सपोनेंशियल से एल एन कैंसिल आउट हो जाता है तो आई की वैल्यू इक्वल आ गई एक्स अपॉन टू, और यहाँ पे है कॉस एल एन एक्स प्लस साइन एल एन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। दिस इज अ रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया पार्ट 10, और इसमें है एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, और ये दोबारा वही फंक्शंस हैं जो कि स्टॉप नहीं होते। तो हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, आई के इक्वल लेट कर लेना है इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स और डी एक्स। अब हमने यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यू लेट करना है, इसका डेरिवेटिव अगर हम लें तो ये आ जाएगा बी कॉस बी एक्स, और एक्सपोनेंशियल ए एक्स को वी लेट कर लिया और इसका इंटीग्रल अपॉन ए। अब बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, यू एज इट इज यानी कि साइन बी एक्स एज इट इज इंटीग्रल ऑफ वी यानी के एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू यानी के बी कॉस बी एक्स इंटीग्रल ऑफ वी यानी के एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। अब ये आई इक्वल आ जाएगा वन अपॉन ए एक्सपोनेंशियल ए एक्स, साथ में है साइन बी एक्स, और यहां से बी भी बाहर निकाल लेते हैं और ए भी बाहर निकाल लेते हैं, अंदर रह जाएगा एक्सपोनेंशियल ए एक्स कॉस बी एक्स और डी एक्स। अब इसमें अगेन बाय पार्ट्स लगाएंगे, हम u ले लेते हैं किसे cos bx को, u का डेरिवेटिव चाहिए होता है, ये आएगा माइनस बी साइन बी एक्स, और v ले लेते हैं हम एक्सपोनेंशियल ए एक्स को, और इसका इंटीग्रल क्या आएगा एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन a। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं, पहली टर्म तो एज इट इज रहेगी, b अपॉन a भी बाहर रखते हैं और बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, बाय पार्ट्स है यू एज इट इज यानी के कॉस बी एक्स एज इट इज इंटीग्रल ऑफ वी यानी के एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए
माइनस इंटीग्रल यू का डेरिवेटिव माइनस बी साइन बी एक्स, साथ में वी का इंटीग्रल यानी कि एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आई इक्वल हो जाएगा वन अपॉन ए एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स। अब जब बी अपॉन ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बी अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा और कॉस बी एक्स एक्सपोनेंशियल ए एक्स। माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बाहर भी मौजूद है और ये भी बी अपॉन, ये बी है और ये भी मल्टीप्लाई भी हो रहा है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ए एक्स और साइन बी एक्स डी एक्स प्लस सी। अब स्टूडेंट ये वाली टर्म वही टर्म बन गई है जिसको हमने ये आई लेट किया था, ये वाली टर्म और ये एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स इंटीग्रल के अंदर ये दोनों टर्म आई बन गई हैं। इसको हम आई पुट कर देते हैं और बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी। माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और साथ में आई। अब ये पूरी टर्म जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वन अपॉन ए कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या रह जाएगा एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए कॉस बी एक्स और एक्सपोनेंशियल ए एक्स। अब बस इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की नीड है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ पे आई, और यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं, ए इसके नीचे भी आ जाएगा। एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पे भी ए अगर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स और यहाँ पे है माइनस बी और साथ में है एक्सपोनेंशियल ए एक्स कॉस बी एक्स और इसके होल के डिनोमिनेटर में ए है तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर लिख देते हैं। तो इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो आई की वैल्यू आ गई, एक्सपोनेंशियल ए एक्स हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर थ्री के सारे पार्ट्स कर लिए हैं, 10 पार्ट्स थे, हमने 10 पार्ट्स कर लिए हैं इसके, ये 10 पार्ट्स भी हमने कर लिया। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू।